नमस्कार किसान भाई, स्वागत है एक बार फिर से आप एक अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको अनाज मंडी भाव से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। दोस्तों, आज हम किसानों के लिए बड़ी कुछ खबरें लेकर के आए हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, धान किसानों के लिए बड़ी कुछ खबरें आज आ रही है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मंडी भाव डेली बेसिस देखना चाहते हो तो आप चैनल पर बने रहिएगा और आप अपने धान या प्याज या फिर लहसुन या और कोई भी अगर फसल बेचना चाहते हो तो चैनल पे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके पास कितना है, जिससे आपको यहाँ पर लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे। दोस्तों, धान को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि जैसे कि पता होगा धान कोरोना महामारी के चक्कर में भी किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जो धान अभी चल रहा है 1400 से 1500 रुपये, अब एक बहुत बड़ी सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही है, किसानों के लिए बड़ा फायदा। अब इन देशों में भी पहुंचेगा भारत का चावल। रेलवे ने चलाई है स्पेशल मालगाड़ी। भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से हल्दिया बंदरगाह तक चावल निर्यात के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है और पोर्ट से चावल पश्चिम अफ्रीकी देश बेनिन और टोगो को निर्यात किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने एक बार एक फिर यात्री ट्रेनें शुरू कर दी है और मालगाड़ी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रेलवे ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों को चावल निर्यात करने के लिए स्पेशल मालगाड़ी चला दी है। रेलवे के मुताबिक पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर के हल्दिया बंदरगाह तक चावल का जो निर्यात है वो स्पेशल ट्रेन से किया जाएगा। उसके बाद में हल्दिया पोर्ट से चावल का पश्चिमी अफ्रीकी देशों को भेजा जाएगा, जिससे किसानों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुँच और आमदनी में काफ़ी इजाफा होगा। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि चावल के पश्चिमी अफ्रीकी देशों में निर्यात से किसानों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार के में पहुंच बनेगी, साथ ही उनकी आय में वृद्धि भी होगी। बता दें कि इस वैश्विक महामारी में बीच रेलवे ने सितंबर 2020 में बम्पर कमाई की है, जिसका बड़ा हिस्सा मालगाड़ी भाड़े में आया है और यात्री ट्रेनें भी चला दी है। अब सितंबर 2019 के मुकाबले साल का 15 से 35% का जो है ट्रेनों से माल का निर्यात किया जा रहा है और अब धान के अंदर आपका जो है बहुत ज़्यादा आपका बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। धान है उसकी, हालांकि विदेशी जो मार्केट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मांग होती है, अच्छा खासा अपना धान या चावल होता है, जिसकी वजह से किसानों को फ़ायदा भी होता है। और वैश्विक महामारी की वजह से हमारे देश से जो निर्यात नहीं हो पा रहा था, अब निर्यात खुल गया है। अफ्रीकी देशों में हमारे देश का जो चावल है, धान है, वो जाएगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छे खासे दाम प्राप्त होंगे। और आपका 2500 से 3000 जो पिछले साल एक बार गया था भाव, उतना अभी जाने के आसार है। तो अच्छी खबर आ रही है। जैसे भी और कोई अपडेट आएगा मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। चैनल पर आप बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।